बहुनि संति नामानि, एक नाम नहीं है। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यं वेदनो जना। भगवान का एक नाम नहीं है ना। यशोदा ने बड़े आनंद में गौरवदन गौरांग को गर्गाचार्य के हाथों में रख दिया, ये कहकर इनका नाम पहले रख दो। लक्ष्मण एक वर्ष पहले आए द्वापर में, देवकी का जो सातवां गर्भ था वो अशेष शेष बनकर अवशिष्ट बनकर उस यज्ञ वेदिका को शुद्धि देने के लिए स्वयं संकर्षण अथवा बलराम भगवान लखन वो शेष ही आए। प्रत्येक लीला में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। भगवान की कोई भी लीला हो, किसी भी प्रकार की लीला हो, उस लीला में वो स्वयं विद्यमान रहते हैं। और जब भगवान कोई लीला नहीं कर रहे तब भी उनके साथ रहते हैं। भगवान शेषशायी वो शेषनाग बनकर सुनते नहीं, इसलिए कान नहीं है शेष के, सांप के कान नहीं होते। क्यों नहीं है कान? कि लक्ष्मी नारायण की हर गोपनीय बात सुनेंगे ये तो, जब रहना ही संग में है, हमारे ही संग रहोगे हमारी हर बात सुनोगे। लक्ष्मी ने कहा ये हर बात सुनेगा हमारी, भगवान ने कहा नहीं नहीं ये काम की ही बात सुनेगा। नहीं तो काम की भी सुनेगा तो कितनी? तो भगवान ने कहा कि उतनी जितनी काम की होगी। पर लक्ष्मी ने कहा मैं तो सारे भेद खोलूंगी सृष्टि के और आपसे भी नहीं रहा जाएगा, जैव जगत और जगन्नाथ के प्रत्येक भेद आप खोलेंगे। अभेद उपासक आपके पास आएंगे, नारद संगादिक आपके पास आएंगे, ब्रह्मा चल कर आएंगे, तो महादेव का कोई मन होगा बात करने का और ये महोदय बैठे हैं कि हर बात सुनेंगे। हम कब तक चुप रहेंगे? और ब्रह्मा, ब्रह्मा तो एकांत में आपसे वार्ता करने आएंगे, नारद सनकादिक इंद्र और ब्रह्म ज्ञानी सनकादिक आदि और मैं स्वयं। तो फिर शेषनाग ने कहा कि छोड़ो मैं कान ही नहीं रखता, मैं कान ही नहीं रखूंगा। एक बार श्रुतियों को पी गए, एक बार वेद कंठस्थ कर लिए उन्होंने, एक बार सत्य को जान लिया उन्होंने, एक बार बस समझ लिया उन्होंने। अब एक बार समझ लिया तो बार बार क्या, बोले अब तो गाएंगे केवल, तो सांप के कान नहीं होते। बस वो तो लीला में रहते हैं। तो भगवान ने कहा कान कब होंगे आपके? जब वो कोई एक विशेष प्रकार का एक अलौकिक स्वर आपको समझना होगा मेरी लीला के लिए, तब शेष के कान जागृत होंगे। ऐसे शेष पहले आए, एक वर्ष पूर्व गौरवदन गौरांग के रूप में, इसलिए उनका नाम राम निकला मुंह से, राम। ये राम है, चूंकि ये एक बात थी। त्रेता काल में लक्ष्मण ने कहा भैया मैं पहले जाऊंगा, सेवक को पहले जाना चाहिए, अगली जब कोई लीला होगी द्वापर में आपकी, उस द्वापर की लीला में आप बड़े नहीं होंगे, मैं बड़ा रहूंगा, ज्येष्ठ मैं बनूंगा। क्यों? मुझे सेवा करनी है, मुझे पहले जाना है व्यवस्था देखने, तो जाओ आप चले जाओ। तो गर्भ में बुहारी लगाकर उस गर्भ को युक्त करके अशेष कर ये गौरांग बनकर आ गए एक वर्ष पूर्व, लेकिन मौन शांत। और वसुदेव की पांच पत्नियां थी, उनकी सबसे बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी। तो रोहिणी के गर्भ में ये अंश भगवान ने देवताओं के द्वारा पहुंचवाए, ये अंश रोहिणी ने पाल के रखे, तो मुंह से निकला राम। लेकिन सहसा फिर ये कह दिया गर्गाचार्य ने,
जब संकोच हो गया लक्ष्मण को, कह रहे मुझे लोग राम कहेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं राम तो हूं नहीं, राम कहेंगे लोग मुझे, राम तो राम ही है। तो बड़े संकोच में आए बलराम बलदाऊ, और वो गर्गाचार्य से प्रार्थना की, भाई जरा करेक्शन कर लीजिए, अभी ठीक करो इसे, इसमें शुद्धि कर लो। तो उसे ऐसा गर्गाचार्य के मुंह से निकला कि राम तो है पर चूंकि बल की अधिकता रहेगी इसमें, तो इसका नाम रहेगा बलराम, बलराम बलाधिक के न बलराम, बलदेव रहेंगे। ये देवादिदेव देव तो हैं पर बल की अधिकता से बलदेव रहेंगे, बलराम रहेंगे, आत्मा राम रहेंगे, समाधि में रहेंगे, ये बड़े सहज रहेंगे, शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, क्योंकि पहले काफी ऐसे थे, मुखर थे, प्रखर थे, चैतन्य थे, आवेश आता था, उत्तेजना आती थी, आक्रामक हो जाते थे, लड़ने भिड़ने लगते थे, भिड़ जाते कि लक्ष्मण भिड़ जाता, किससे, मैं भरत से भिड़ जाता हूं, माता पिता के पीछे पड़ गए, मेरा कोई पिता नहीं है, घोषणा कर दी, मैं किसी पिता को नहीं जानता, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, माता रामो मत पिता रामचंद्र, बड़े बागी तेवर का, एंग्री मैन, मैं नहीं जानता किसी को, कोई माता पिता नहीं, मैं नहीं, मैं किसी माता को नहीं जानता, किसी पिता को नहीं जानता, मेरा कोई संबंध ही नहीं, ऐसा बोल गए एक दो बार। भरत को मैं देखता हूं, सेना लेकर आया है। तो इस बार वो थोड़ा सा बदल के आए कि शांत रहेंगे भाई, मौन में रहेंगे, धीर वीर गंभीर रहेंगे और भगवान की आज्ञा में रहेंगे, भले ही बड़े तो हैं पर आज्ञा नहीं देंगे कोई। तो बलाधे के न बलराम बलदेव, इनके नाम अनेक अनूपा, एक नहीं इनके अनेक नाम। तो ऐसे गौरांग का नाम तो बलदेव हो गया, पर सांवरे श्याम सुंदर का, केशव माधव मुकुंद बनवारी गिरिधारी का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य ने भगवान को अपने हाथों में ले लिया, और जैसे उनका स्पर्श किया तो उनके नेत्र गीले हो गए, अश्रु बहने लगे, धन्यता अनुभव करने लगे, वो संन्यस्त की साकारता, जैसे मानो साधुत्व फलीभूत हो गया हो, जैसे मानो पांडित्य को पूर्णता मिल गई हो, जैसे मानो भक्त को भगवान मिल गए। आप जानते हो क्या है इसका अर्थ, एक पंडित केवल पोथी और पत्रा तक ही उलझा रहा है उसे परमात्मा न मिले, यद्यपि एक पांडित्य वो कुछ भी जान लेते हैं, पर पांडित्य की पूर्णता तो तभी है जब परमात्मा के दर्शन हो। तो वो पंडित अपने में पूर्णता अनुभव करने लगा कि आज मेरा ज्ञान फलीभूत हुआ, आज पांडित्य साकार हो गया, आज प्रौहित्य कर्म मेरे फलीभूत हो गए कि भगवान के दर्शन कर रहा हूं मैं। ब्राह्मण विभूति देखकर, वैभव देखकर भगवान का, भगवान विश्वंभर हैं ऐसा जानकर, वो विभू हैं ऐसा अनुभव कर, ब्राह्मण के भीतर की विद्या फलीभूत हो गई। वो साधु भी थे, तो आज संन्यस्त अथवा साधुता साकार हो गई क्योंकि सच्चिदानंद के दर्शन हो रहे हैं। एक साधु को सिद्धियां तो मिल जाएं, एक साधु को लोक परलोक की संपूर्ण असाधारण अलौकिक सिद्धियों का ज्ञान हो जाए, देव उसके अधीन हो जाएं, लेकिन भगवान के दर्शन न हो, उसे परमात्म तत्व का बोध न हो, तो यह सन्यास का सबसे बड़ा घाटा है, यह सन्यास की सबसे बड़ी हानि है। पर यहां तो सन्यासी साकार हो गया, साधुताई फलीभूत हो गई कि सामने सच्चिदानंद है, सत्यनारायण है, भगवान बालमुकुंद सामने है। इसलिए वो पंडित थे, पूर्णता सिद्ध हुई, उनका पांडित्य फलीभूत हो गया, वो साधु उनकी साधुता साकार हो गई, सच्चिदानंद सामने है। वो ब्राह्मण अपने सामने ब्रह्म को अनुभव करते हुए धन्य अनुभव करने लगा और आंखें झरझर बहने लगी, भगवान के चरणों को छूने लगे, उनके सहसा हाथ नन्नी उंगुलियां उन्हें स्पर्श करने लगे कि ये करतार की उंगुलियां हैं,
उनके नेत्रों में झांक कर देखा तो समाधि लग गई। धन्य होकर कहने लगे, बहु निसंति नामा, बहु निसंति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदनो तान्यं वेदनो जना।